हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये कॉटन गाउन कैसे तैयार किया है। आप भी इसे आसानी से अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, जो पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3 मीटर की फैब्रिक ली है। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है और मैंने 16 इंचेस पे मार्क लगा दी है। अब हम इसे काट लेंगे। हमारी चौड़ाई है 10 इंच की। मैंने इसे काट लिया है। अब मैं इस पे आर्म होल्स और नेक ड्रॉ करूँगी। मैंने ये 2.5 इंचेस लिया है, ये 1.5 इंच का लिया है और मैंने ये 6 इंच का लिया है और आर्म होल भी मैंने 6 इंच का ले लिया है। अब मैं इसको मिला के ड्रॉ कर लूँगी। मैंने ये पाम नेक ड्रॉ किया है और इसको मुझे ज़्यादा गहरा नहीं करना है। मैंने पीछे 5 इंच का गला लिया है और इसे मैंने थोड़ा तिरछाई में ड्रॉ कर लिया है। मैंने इसे काट लिया है। अब मैं कपड़े को 4 फोल्ड करके इस पर 28 इंचेस का मार्क करूँगी। मैंने इसे काट लिया है। अब ऐसे मैं 2 बना लूँगी। देखिए, मैंने इसको कपड़े पे वापस रखा है। अब मैं इसको काट लूँगी। मैंने इसे भी काट लिया है। अब मैंने जो टॉप बनाई थी उसके गले पे ये सेप रखते हुए सिलाई करके इसे पलट लूँगी। मैंने ऐसा ही बैक के भी कर लिया है। मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों को। अब हमें इसकी शोल्डर ज्वाइन कर लेनी है। मैंने इसकी शोल्डर भी ज्वाइन कर ली है। अब आर्म होल में भी हमें नेक की तरह ही कपड़ा लगाते हुए इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, जैसे मैंने नेक के साथ किया था। जो 2.5 इंच का कपड़ा काटा था, जिसकी चौड़ाई मैंने पूरी ली थी, जो थी 1 मीटर की। अब मैं इसकी कमर पे प्लेटिंग्स बैठा दूंगी। मैंने यहाँ पे 2-2 इंचेस की प्लेटिंग्स लगा दी है। अब हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। मैंने फिटिंग कर दी है। अब हमें इसके नीचे भी इसको फोल्ड करके स्टिच लगा लेना था, जो मैंने लगा लिया है। हमारा गाउन बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।